रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का मतलब हमारी जो टेबल है, टेबल में जो सबसे पहली रो है मतलब हेडर रो है, हम चाहते हैं कि हर पेज पर जितने भी टेबल्स हों हर टेबल में ये हेडर रो ऑटोमेटिक आ जाए, मतलब हमें टाइप ना करना पड़े। तो इसके लिए पेज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखाई दे। मेरे पास फिलहाल एक ही पेज है। अगर मैं सबसे लास्ट सेल में क्लिक करता हूँ और टैब का यूज़ करता हूँ तो नए रोज इंसर्ट होते जाएंगे। पहला पेज कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर नए रो इंसर्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस दूसरे पेज के टेबल में भी हेडर रो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास तरीका है। सबसे पहले जिस रो को हम चाहते हैं हर पेज पर आए उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर उसमें क्लिक करके कर्सर रख लेंगे और रिपीट हेडर रो पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही अगले पेज की टेबल में भी ऑटोमेटिक वो रो इंसर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, हम एक बार फिर से करते हैं। मैं सबसे लास्ट सेल में क्लिक करता हूँ और टैब बटन का यूज़ करके नई रोज इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिक नए पेज पर भी हेडर रो इंसर्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, पहले पेज की पहली रोज जो रो है उस पर क्लिक करेंगे, इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो अब सारे हेडर जो है वो हट गए हैं। और फिर से अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो सारे पेजेस पर हेडर रो ऑटोमेटिक आ चुकी है, मतलब मैं दूसरे तीसरे चौथे पेज पर बार बार ये हेडर या हेडिंग टाइप करने से बच गया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।